गुड मॉर्निंग दोस्तों, चाय हमारी हो चुकी है और हम क्या सीख रहे हैं, हाथ। ठंड बहुत ज्यादा क्योंकि ना बाहर ना बर्फ पड़ी है इसीलिए और बाहर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बता दे बाहर बर्फ पड़ी है ना बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है, बाहर बर्फ पड़ी है और जब तक वो पिघलेगी तब तक हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो इसलिए भी हम इंतजार कर रहे हैं बर्फ के पिघलने का और हाथ सेक रहे हैं। ये और अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हो। देखो खाने की तैयारी कर कौन रहा है, ना हमारी ताई, ना हमारी चाची, ना हमारी मासी, वन एंड ओनली हमारे घर के शेफ। बर्फ नहीं सब्जी। ओ बर्फ दोस्तों, बाहर बर्फ है। ओए बाहर बर्फ हो रही है ना बहुत ज्यादा। हाँ। है ना। हाँ, ये हमारे घर के शेफ ताऊ जी। और ये जो मूली आई है ये भी चुरा के आई है ताऊ जी। इसमें चोरी चोरी का क्या है वो बता दो। मूली हम लोग सुबह सुबह चुरा के आए क्योंकि हमें मूली के पराठे खाने थे। और ये भी हमारे मूली के पराठे की तैयारी चल रही है और ताऊ जी बनाएंगे। ताई ने तो साफ मना ही कर दिया। और ये लोग बैठे हुए खाने के लिए। दोस्तों अगर आप गाली भी सुनना चाहो तो इस वीडियो में आपको गालियां भी मिलेंगी उस लेडी से। वो लेडी बच्चों को खिलाया करो पराठे। देखा ताऊ जी खिला रहे हैं। दोस्तों अगर आपको गाली सुननी हो तो इस औरत से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे मेरी वीडियो में ना हिंदी में बात करो लोग बोलने जाए भाड़ में तेरी। वो ना दोस्तों पढ़ाई कुछ ज्यादा की है मेरी ताई ने, तो ताई को सिर्फ इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बात करती है। अभी पराठे बनने की तैयारी हो रही है। जिन लोगों को पराठे बनाने नहीं आते वो मेरे ताऊ जी से कॉन्टेक्ट करें, नंबर दे दूंगी, 100 नंबर है। तो दोस्तों मैं ये दिखा दूं कि जरूरी नहीं कि गैस पे मैं रोटी बनाती हूँ, मैं चूल्हे पे बनाती हूँ। और देखो मैं ताई को खिला रही हूँ गर्मा गर्म। दिखाओ ताई तक, दिखाओ। ये देखिए हमारी ताई खाना खा रही है, गर्मा गर्म पराठे खा रही है और वहाँ पे तल तवे पे बन रहे हैं। मेरे मुँह पे तवा यहाँ पे है, चूल्हे पे बन रहे हैं। तवा भी दिख रहा है, आप टेंशन मत लो। ये देखिए चूल्हे में आग जल रही है और ये हमें शिवान जी खाना बना रहे हैं। वो भी किस चीज के पराठे? मूली के पराठे। ये देखिए ये हमारा मसाला। आलू तो अच्छे बन जाते हैं, मूली के बड़े दिमाग खराब करते हैं, है ना। ये मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने से पहले देखो फूल कहाँ से ले रहे हैं। और यही अगर हम शहरों में होते तो खरीदने पड़ते हैं। और यहाँ तेरी देखो दोस्तों, वजन चाहे कितना भी हो लेकिन इंसान यहाँ का कूदने से नहीं डरता। पर नहीं चाची तो अब हमारे जीरो फिगर हो गए, ऐसे कैसे बोलते हैं। और हमारा रास्ता बड़ा ही लंबा है पर हम पैदल जा रहे हैं, किसी ने भी हमें गाड़ी के लिए। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई सब में मंदिर ही दिख रहा है, कभी घर की वीडियो नहीं बन रही है, बस मंदिर मंदिर ही है। मुझे ऐसे घर से बड़ा वो होता है कि यार इतने बड़े पहाड़ में अकेला घर देखो, आसपास कोई गांव नहीं है, कोई भी गांव नहीं है। भाई साहब हिम्मत है, ऐसे मुझे कोई अकेले घर में बोल दे कि शादी करके लाना और अकेला घर है पर खूब महल की तरह, बोलूंगी भैया अपना महल अपने पास ही रखो। मैं नहीं रह सकती इतने बड़े घर में, वो भी अकेले, क्या करना इतने बड़े घर का। रात को शेर चीते उठा के ले जाए तो और क्या। और ये देखो ये मंदिर में पूजा करने थोड़ी ना आते हैं, ये फ्री के झूले झूलने आते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है। पूजा करती है? हाँ। दिखी तो नहीं पूजा करती है? ओ, सामने तो नहीं पूजा कर लिया, ऐसे तो वीडियो में पूजा करती मैं भी नजर नहीं आई हूँ। पूजा कर लिया, पूजा बनाना, सॉरी पूजा बनाना कर लिया। लोग देख रहे हैं आसपास, थोड़ी शर्म आ रही है। सो फाइनली मैं ना मतलब कि सारे मंदिरों में घूम, और पता है क्या एक बार बताओ, मैं इस बार जब आई हूँ ना
तो मैं बिल्कुल भी सोच के नहीं आई थी कि मैं सारे मंदिरों में घूमूंगी, कुछ भी सोच के नहीं आई थी, बस सोचता घर जाऊंगी और अपने घर में थोड़े दिन रहूंगी, फिर अपनी मासियों के पास जाऊंगी, सबके पास जाऊंगी। लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ पे आई मैं मंदिर ही घूम रही, रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मैं मंदिर नहीं गई होंगी। आज कल भी मुझे अपनी मासी के घर जाना है, आज लास्ट डे है यहाँ पे, फिर भी आज भी मंदिर में घूमी मैं सारे मंदिर। वाह रब्बा वाह, तेरी कृपा अपरंपार। और ये देखो सो गाइज, अब हमारी पूजा हो गई है और मुंह पे धूप बड़ी तगड़ी वाली आ रही है। अब मंदिर को कर दो बाय 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 बाय। मैंने बोला मेरी वीडियो में आपको हिंदी में बात करूँ, पहले आप हिंदी में बात करो। यहाँ वो जो ना वहाँ पे खींचेंगे हम अपनी फोटो खींचेंगे, पर लोगों को बाय तो कर दूं मैं। सो गाइज ओके बाय दोस्तों, कोई पता नहीं हम दोबारा फिर दोबारा वीडियो बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, फोटो गाइज लास्ट राम मंदिर को बाय बाय कर दो। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जाते जाते कुलचा खा रहे हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी यही लोग भूखे, पर मैं भी हो गई। पहले इन्होंने गोलगप्पे खाए, फिर मैंने गोलगप्पे खाए, फिर मैंने कुलचा लिया, तो इनका ही मन कर गया। रुको रुको रुको, जो इंसान हमको कह रहा था जल्दी घर चलो लेट हो जाएंगे, रुको 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 रुको, जरा अपना हाथ दिखाओ जो कुलचा पैक करवा रखा है वो। ये देखो प्रसाद है माता। इसी इंसान ने सबसे पहले ही गोलगप्पे खाए, और इसी इंसान ने पीछे वो कुलचा भी है, कुलचा छिपा दिया। अब हम कुलचे खाते हुए जा रहे हैं। यहाँ की ना मेरे को जो सबसे फेवरेट चीज जो लगती है वो है कुलचे छोले। इस तरीके से देते देखो, इस तरीके से, और क्या कहते हैं छोले और समोसे, यहाँ के मेरे फेवरेट हैं वो। हाँ दोस्तों अब हम खा लेते हैं, ठीक है बाय बाय। खाने चलो, ठीक है बाय। अभी यहाँ से चलते चलते हुए ना हमारे ताऊजी की दुकान भी आएगी, तो वहाँ पे पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। मैं ताऊजी के सामने बड़ी प्यारी सी नन्नी सी मिन्नी सी बच्ची हूँ, तो वहाँ वीडियो नहीं सकती। मैच्योर हूँ हाँ मैं ना, ये ताऊजी की अम्मा है ना ये, इसलिए ये वीडियो बना सकती है। मैं मैच्योर हूँ, बड़ी आई तू। जब ताऊजी की दुकान की तरफ पहुंचेंगे तब ये वीडियो बनाएंगे, तब मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छी सी बनाइए वीडियो, फिर हम आपको अपने ताऊजी की दुकान दिखाएंगे। अब ठीक है दोस्तों, जहाँ पे हम ऐसे हम चलते हैं, बाय दोस्तों। जहाँ पे ना हम जैसे अब ताऊजी की दुकान आएगी ना, तो हम ताऊजी के सामने बड़े मासूम से बच्चे बन जाते हैं, जैसे हम कुछ खा के ही नहीं आया, कुछ भी नहीं खा के आया, और चाची हमें ऐसे ही लेके आ गई है। फिर ताऊ बोलेंगे लो बेटा चलो कुछ लेके चले जाओ, हम बोलते चलो दे ही दो, दे रहे हो तो हमेशा से ही ऐसे ही होता है। जब ताऊजी हमें दुकान में ऐसे बुलाते तो हम ऐसे बड़े मासूम बन के जाते हैं, जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं, अभी भी कुछ नहीं खाया, अभी भी हमने कुछ नहीं खाया है। कुछ खाया तुमने? कुछ खाया है? इसने कुलचा नहीं खाया, इसने गोलगप्पे नहीं खाए, मैंने भी कुलचे नहीं खाए, गोलगप्पे नहीं खाए, मैंने कुछ नहीं खाया। अब आगे खाएंगे ना हम, ताऊजी की दुकान में खाएंगे ना हम, हमने तो कुछ खाया नहीं है। चलो अगर देखो हमें ताऊजी की दुकान से कुछ मिला तो आपको जरूर दिखाएंगे, और अगर कुछ नहीं मिला तो आपको ठेंगा दिखाएंगे। तो आपको ठेंगा दिखाएंगे। वैसे हमें अपने ताऊजी पे पूरा विश्वास है कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओ शिट गाड़ी आ रही, नहीं नहीं बच गई। अभी हम ताऊजी के सामने पहुंचते हैं। अरे यार एक तो टाइम, चाची बस टाइम ही पूछती रहती हैं, टाइम हो रहा है 200, टाइम बताओ जरा, 6-7 हो रहे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली, हमने कहा था ना हमें सब कुछ मिलेगा, मेरे को चॉकलेट। फ्रेंड्स बात ये है कि हम आपको भूल गए, तो हमने वीडियो तो मम्मी आप देख लो, फ्रेंड्स ने मुझे एक चॉकलेट दिया। फ्रेंड्स इसको मैं थोड़े दिल्ली की लैंग्वेज सिखा रही हूँ, इसलिए इसको फ्रेंड्स बोलना आ रहा, फ्रेंड्स बोलना नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स बोलना भूल गई, फ्रेंड्स। तो हमें ताऊ ने दिए चॉकलेट, देखा मैंने कहा था ना ताऊ हमें जरूर कुछ देंगे। मैं बिल्कुल शरीफों की तरह साइड में खड़ी हो गई कि मतलब कुछ खाया नहीं। देखो दोस्तों अगर ये फ्रेंड्स अगर ये मासूम से शक्ल बना के खड़े गए तो दोहेंगे नहीं ना, तरस तो खाना ही पड़ेगा। और इतने बेशरम है ये, ताऊ जी ने मुझसे पूछा शिवानी बेटा कुछ लेना, शिवानी बेटा कुछ लेना है, तो मैंने कहा पहले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर ताऊ ने कहा कुछ भी ले ले, तो मैं कहा चल मैं किटकैट चॉकलेट ले लेती हूँ, ये भी मैं भी ले लेती हूँ, मैं भी ले लेती हूँ। फिर वो दूसरा आया, मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी ले लेता हूँ। फ्रेंड्स ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठा है, ऐसा ही है। ताऊ जी मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, इन्हें नहीं। फ्रेंड्स ये तो वैसे ही है, ऐसे ही दो दिन के मेहमान। दो दिन के मेरे को तो इतने दिन हो गए, मैं तो आती रहती हूँ, तो दो दिन के मेहमान। पर बस थोड़ा सा ये है ना कि प्यारी कुड़ी क्या कहलाना, तो ऐसे ही बस। तो चलो मैं अपने ब्लॉग का ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी एंड करने वाली थी, बट मुझे लगा ताऊजी की दुकान में जा रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा चीज दिखा दें आपको। वैसे तो हम पेट भर के ही आए थे, बट कोई बात नहीं।
घर में और भी बहुत सारे गरीबों वाली शक्ल बनाई ना, चॉकलेट देनी पड़ी। तो अभी हम यही पे एंड कर रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है और क्लियरिटी भी बड़ी गंदी होती जा रही है, सॉरी क्वालिटी। सो बाय बाय कर दे फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।